अस्सलाम वालेकुम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास हमारे फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम पैंक्रियास के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करेंगे। पिंक कलर का ये ऑर्गन यानी पैंक्रियास दिखने में काफ़ी इलोंगेटेड है। पैंक्रियास स्टमक के पीछे और एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है जिन्हें एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन को समझने से पहले हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन को समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन सिक्रीशंस उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट यानी कि नाली में सिक्रीट होती हैं, जैसा कि पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले पार्ट यानी कि ड्यूडिनम में होती है, एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। एंडोक्राइन सिक्रीशन उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट में सिक्रीट नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हारमोन्स की सिक्रीशन जो कि ब्लड में होती हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन जो पैंक्रियास परफॉर्म करता है उसमें डाइजेशन शामिल है। पैंक्रियास जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है उनमें कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज वगैरह शामिल है। कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं जबकि लाइपेज लिपिड की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन में शामिल है। इन हार्मोन्स में इंसुलिन शामिल है। इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स में मूव करवाना है। ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है जो एंडोक्राइन फंक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागोन का फंक्शन ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोजिन एक कार्बोहाइड्रेट है। पैंक्रियास का 95% पोर्शन एक्सोक्राइनिक है जो कि एकिनार सेल्स पर मुश्तमिल है। एकिनार सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एकिनार सेल्स डक्ट्स यानी कि नालियों के साथ जुड़े होते हैं और ये नालियाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडिनम में ओपन होती हैं। पैंक्रियाज में एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में फर्दर 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और सी सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। डेल्टा सेल्स एक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। सी सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के वो सेल्स हैं जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक डिजीजेस पर। पैंक्रियाटिक डिजीजेस में पैंक्रियाटाइटिस डिजीज पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पैंक्रियास बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत सीरियस पैंक्रियाटिक डिजीज है। डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें पैंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। इंसुलिन हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करती है और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं हो पाता। डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है और इस तरह वो डिजीज पर काबू पा सकते हैं। तो होप्सो आपको पैंक्रियास के बारे में कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। अगर आप पैंक्रियास के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी पैंक्रियास पर बनाई गई सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल सात खान टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।